यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। सीएम सिटी करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां दो अलग अलग जगहों पर मकान में घुसकर दर्जनों हथियार बंद बदमाशों ने आतंक मचाया और जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की। जब पुलिस उनके ठिकाने पर उनको पकड़ने के लिए गई तो उल्टा बदमाश युवकों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और पत्थरबाजी भी की, जिसमें पुलिस ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। पुलिस पर हमला करने के बाद आरोपी बदमाश युवक छत के रास्ते से फरार हो गए और पहला हमला बदमाश युवकों ने सेक्टर 7 के इलाके में एक मकान में घुसकर किया और वहीं दूसरा हमला विकास कॉलोनी के एक मकान पर किया। पुलिस के आला अधिकारी डीएसपी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और बदमाशों की तलाश की, लेकिन तब तक बदमाश मौके से भाग निकले थे। फिलहाल अब पुलिस सभी बदमाश युवकों की तलाश में जुट गई है। जांच कर रहे हैं इसकी। हमारे कंट्रोल रूम से जो भी टीम मिली थी कि कुछ लड़कों ने विकास कॉलोनी और सेक्टर 7 में तोड़फोड़ की और कुछ बाइकर्स थे, उन बाइकर्स की भी टीम मिली थी कि घुसकर वजह इस साइड आने मालूम हुए हैं, तो उसी ड्यूटी का सबसे सदर आए थे, उनके साथ भी कुछ मिस भी है और जैसे सरकारी मीटिंग बाद होती है उस टाइप की स्थिति हमें यहाँ देखने को मिली। काफ़ी लड़के थे उसी के सर्च करते हुए और उस वीटी पे रिएक्ट करते हैं यहाँ पहुंचे, तो हथियार भी थे सर उनके बताया जैसे कि हाँ मौके पे जो SHO सदर थे उन्होंने बताया कि काफ़ी हथियार थे। अभी वो अपना रात के अंधेरे में लाइट जाने के बाद वो भागे। जो भी अपना जैसे तोड़फोड़ करी है या जो भी जिस भी बंदे ने करा है उसके खिलाफ एक्शन हम लेंगे। एक बार यहाँ सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद हम रात में भी सर्च करेंगे, रेड करेंगे और जो भी बंदे इन्वॉल्व हैं उन्होंने तोड़फोड़ की होगी। यहाँ तो सारी किसी से पूछ लो, आप कैमरे लगे हुए हर जगह सबको दिखेंगे। आम तोड़ा तोड़ने कौन है, कौन तोड़े हो ना।